तो भाई वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जांगी, अपनी महिंद्रा बोलेरो है जो कि यार 2011 वाला मॉडल है। अब यार इसके अंदर बताऊं तो यार अपनी गाड़ी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि यार इसके सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। बट यार जो आजकल की गाड़ी आती है ना, जो कि यार वो क्या है ग्लोबल एनकैप के अंदर क्या है उनका सेफ्टी टेस्ट होकर आती है। देखो तो अभी सेफ्टी वाइज बात करते हैं यार, अपनी गाड़ी की अभी तक भी टेस्टिंग नहीं हो रखी है अपनी गाड़ी की ग्लोबल एनकैप के अंदर, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात नहीं है। देखो होनी चाहिए थी, बट यार जो चेचिस वाली गाड़ियाँ रहती हैं तो वैसे ही मजबूत रहती है बोलते हैं। देखो बंदे देखो ऐसे बोलते हैं कि यार जिन गाड़ियों के अंदर चेचिस रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। बट यार हालांकि है भी अपनी गाड़ी, बट जो यार अपनी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट रहता है ना वो भी एक मोस्ट कंपल्सरी पार्ट रहता है, जो कि यार चाहे जिस गाड़ी के अंदर एयरबैग हो या ना हो। बट वैसे तो कंपनी के अंदर देखो एयरबैग तो कंपल्सरी कर ही दिए, बट एयरबैग हो या ना हो, देखो टाइम पर खुले या ना खुले, बट जो सीट बेल्ट रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहता है अपनी गाड़ी के लिए, जो कि यार वो अच्छे से काम करता ही है उस समय। देखो देखो सीट बेल्ट हमेशा सही होना चाहिए अपनी गाड़ी का, एयरबैग तो फिर भी एक बार नहीं निकलेगा पर सीट बेल्ट हमेशा काम आता है अपने, क्योंकि तो यार अपनी गाड़ी के अंदर भी सीट बेल्ट लगा हुआ है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यार परेशान कर दिया, इरीटेट कर रखा है यार अपने को। वैसे तो लॉक तो हो जाता है पर यार इसको लॉक करने में ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, आपको बताऊँ तो। देखना अभी बेसिकली देखो ये ऊपर की तरफ हो रखा है पूरा, यानी कि ये पूरा ऊपर की तरफ हो रखा है, जैसे कि यार इसके लेवल में आ रखा है देखो ऊपर की तरफ। अभी देखो ये एक अजीब सही एक है, इसके अंदर नीचे की तरफ दस रखा है मतलब पूरा ही, जैसे आप इसके अंदर ये इंसर्ट करोगे ना इसको, यानी कि ये वाली नोब इंसर्ट करोगे ना इसके अंदर, तो देखना अभी ये भाई आज तो एक बारी में ही काम कर गया, नहीं तो बेसिकली करता नहीं है ये अपने गाड़ी के अंदर। अभी देखना वापस से करके बताता हूँ, ये देखो नीचे की तरफ हो गया, बट यार जो ऊपर की तरफ होना चाहिए ना, देखना अभी ये देखो नहीं, अभी यार दूसरी बारी के अंदर भी हो गया। अभी जैसे अपन यार इसको यूज़ में लेते हैं ना पर यार जल्दी से लग नहीं पाता देखो इसके अंदर, जो कि यार ये काफ़ी ज़्यादा सही बात भी अपनी गाड़ी के लिए, जो कि यार हालांकि इसके अंदर रुक तो जाता है पर भरोसा नहीं भाई ये एमरजेंसी के अंदर वर्क भी करेगा या नहीं करेगा। अपन जिससे चालान से तो बच सकते हैं, बट यार इसको चेंज कराना ही काफ़ी सही रहता है। आप ऐसे सोचोगे कि भाई यार इसका कोई रिपेयर भी हो सकता है कि ऐसा कोई जुगाड़ हो इसका सही करने का, भाई ऐसा कुछ भी जुगाड़ नहीं है भाई, ये ऑल ओवर ये पीस है ना पूरा ऑल ओवर ही चेंज होगा इसके अंदर। इसके अंदर देखो ये नीचे की तरफ एक नट से ही लगा हुआ रहता है, आप इसको ऑनलाइन में मंगवा सकते हो, बट यार मैं तो यही प्रेफर करूँगा आप ऑनलाइन ना मंगवा कर है ना इसको खुद से ही मतलब ऑफलाइन ही ले लेना, क्योंकि यार ऑनलाइन जितने भी सामान रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे ही मिलते हो और मेरे को भरोसा नहीं है भाई उन सामानों पर। अभी यार जो ये देखो अभी यार जो इसको मैं लगा तो रहा हूँ, बट यार ये पता नहीं आज देखो आज तो जैसे बिल्कुल काम कर रहा है, वैसे बेसिकली करता है नहीं, मेरे को भी यार अजीब सा लग रहा है यार आज। अभी देखो दो तीन बारी में कराने इसी प्रकार ये करता नहीं, देखो देखना अभी भी नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा यार इरिटेट कर देता है। देखो अभी देखो वन टाइम में हो गया, अब जैसे कि यार अभी ये अपना जो सही वाला सीट बेल्ट है ना वो भी एक बार आपको बता ही देता हूँ, देखना इसको भी लगा कर देखना एक बारी के अंदर पूरा ऑल ओवर वर्क कर गया, जो कि यार इसकी प्लेसमेंट दे रही है ना सीट बेल्ट की वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है महिंद्रा बोलेरो के अंदर, तो यार काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क लगता है वर्क करता है, और इसके पोजीशन भी क्या है काफ़ी अच्छी है अभी एट प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके की इसके पोजीशन दे रखी है, मतलब ऐसे चुभता नहीं है कि पूरा ऑल ओवर सीट बेल्ट ही। अब पहले वाली गाड़ियों के अंदर क्या था कि ये देखो मैं बताऊँ आपको, ये पूरा सीट बेल्ट जो पुरानी वाली अपनी महिंद्रा बोलेरो ना 2004 वाला वेरियंट, जो कि यार यहाँ पर ही आती थी मतलब ऑल ओवर इसी जैसे पूरा मतलब पेट पर ही बिछी जाता था, मतलब पूरा पेट ऐसे दबी जाता था ऐसा कुछ इसके अंदर फीलिंग आती थी। बट ये अभी जो नई वाली महिंद्रा बोलेरो आ रही है ना सारियों के अंदर इस प्रकार की देखने की मिलती है। अभी भाई महिंद्रा देखो कोई सा भी ना तो फीचर अपनी गाड़ी के अंदर मतलब इंस्टॉल करता है ना, यानी कि देता है अपनी गाड़ी के अंदर, तो सभी फीचर है ना एक से एक बढ़िया दे रहा अभी। वे सीट बेल्ट भी ले लो यार इसकी भी देखो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क भी करता है। बट यार इसके अंदर पता नहीं है सीट बेल्ट के अंदर इसी के अंदर पता नहीं कई प्रॉब्लम आ रही है यार इसकी। एक बार में पहले भी एक बार सही भी हो गया था, क्योंकि यार ये डीजल डालते ही बिल्कुल ऑल ओवर पहले तो सही भी हो गया था, मतलब एक बार में ही वर्क कर रहा था, बट जो अभी फिर दो मतलब 10-15 दिन तो करा फिर यार फिर वापस से वही प्रॉब्लम मेरे को फेस होने लगी अपनी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट से रिलेटेड। अपनी गाड़ी के अंदर सेफ्टी वाइज तो फिर भी आजकल देखो कंपनियां देखो एयरबैग डालने लगी है, यानी कि हैंड ये हैंडल नहीं है क्या इसके अंदर एयरबैग आता था आने लग गया आजकल,
काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इंक्लूड करने लगे अपनी गाड़ियों के अंदर यार, महिंद्रा ये सब सभी गाड़ी, जो कि यार गवर्नमेंट ने क्या है कंपलसरी कर दिया एयरबैग भी इंस्टॉल करना। बट यार जो सीट बेल्ट थे ना, ये यार काफ़ी पहले से आ रही थी इसके ही यार, सीट बेल्ट का आविष्कार देखो वोल्वो ने किया था, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। देखो यार सीट बेल्ट एक काफ़ी अच्छी सेफ्टी है। देखो अगर आपकी गाड़ी के अंदर एयरबैग खुले या ना खुले, सीट बेल्ट आप लगा के रख रहे हो ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ्टी वाइज देखो फ़ायदा होगा। देखो मेरा तो मानना यही है, देखो सीट बेल्ट काफ़ी अच्छे से काम करता है अपनी गाड़ी के अंदर, ये काम भी इसी प्रकार से करता है। जैसे कि यार अभी मैंने वीडियो बना रखी है, पर यार जब एकदम से मैं इसको खींचूंगा ना, तो यार एकदम से लॉक हो जाएगा, देखना ये अभी मैं कितना खींच रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा बाहर की तरफ, क्योंकि यार ये लॉक हो गया अभी 8% है। मैं फोर्स लगा लिया मैं अपना, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि एकदम से लॉक हो जाता है। चाहे आप धीरे धीरे तो इसको चाहे कितना ही खींच, चलो देखना अभी मैं इसको वापस से एकदम से वापस से खींचता हूँ, देखना वापस से लॉक हो जाएगा, वापस से लॉक हो गया देखना। इसके अंदर ऐसे फीचर देखने मिलते हैं जो कि यार काफ़ी अच्छा है। देखो सेफ्टी वाइज तो देखो आजकल देखो महिंद्रा, देखो पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बता रखा है, जो कि यार इसके अंदर पहले देखो सीट बेल्ट ही देखने के लिए मिलती थी। जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर सेफ्टी वाइज एक ही फीचर है सीट बेल्ट, इसके सिवा कुछ भी फीचर नहीं देखने के लिए मिलते अपनी गाड़ी के अंदर। अभी देखो इसके अंदर एयर बैग ये फिर भी आने लग गई अपनी गाड़ी के अंदर, कंपनियाँ देने लग गई, क्योंकि यार अभी तो अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी एयरबैग नहीं है, बिल्कुल भी एयरबैग नहीं देखने के लिए मिलते, और इसके अंदर सीट बेल्ट के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा देखो महिंद्रा ने। अभी देखो यार सीट अगर आप एयरबैग के भरोसे चलोगे ना, तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, सीट बेल्ट तो लगाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। आजकल की गाड़ियों के अंदर भी ऐसा सीन होने लग गया है कि यार अगर आपने सीट बेल्ट एंगेज नहीं कर रखाना या नहीं लगा नहीं रखाना, तो आपके एयरबैग भी नहीं खुलने वाले, कंपनी गारंटी नहीं लेती भाई। आपने सीट बेल्ट तो खुद ने नहीं लगा रखे हैं, फिर यार कंपनी पे आप वो लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि यार ये इस कंपनी के ऐसी गाड़ियाँ बना रही जिसके क्या है एयरबैग ही टाइम पे नहीं खुलते हैं। भाई एयरबैग खुलेंगे कब, जब आप यार वो लगाओगे ना सीट बेल्ट। अभी देखो भाई ऋषभ पंत का भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ऋषभ पंत भाई का, जो कि यार उन्हीं की गाड़ी के अंदर उन्होंने वो सारी हिस्ट्री निकाल कर ये पूरी, मतलब उनकी गाड़ी में भी ऐसा सीन था कि मतलब पूरी हिस्ट्री निकाले थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ था, कितना क्या टाइमिंग में एयरबैग खुले थे या नहीं खुले, किस प्रकार से हुआ था, मतलब सारी। यार भाई अगला बंदा कोई गाड़ी पे पैसे खर्च कर रहा है तो भाई वो सेफ्टी वाइज ही खर्च कर रहा है ना। देखो अभी अपनी गाड़ी के अंदर भी देखो अपनी महिंद्रा बोलेरो, तो यार इसके अंदर अभी कोई भी फीचर नहीं है सिवाय सीट बेल्ट के अलावा सेफ्टी वाइज। तो अभी यार इसके अंदर सेफ्टी वाइज भी क्या ही करोगे यार, सेफ्टी वाइज इसको भी लगा लोगे तो काफ़ी कंपलसरी। बट यार जो आजकल की न्यू महिंद्रा बोलेरो आ रही है ना, तो उनके अंदर तो फिर भी दो दो एयरबैग आने लग गए, जो कि यार काफ़ी बढ़िया है, जो अच्छी बात है, आने भी चाहिए। अभी यार देखो अपनी गाड़ी के अंदर तो सीट बेल्ट के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा कंपनी ने, सिवाय काफ़ी अच्छी बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा अपनी गाड़ी की। देखो रफ एंड टफ है, वही बहुत बड़ी बात है। अभी जो मारुति की गाड़ी आती है ना, बिल्कुल कागज, बिल्कुल ऐसे आजकल वीडियो भी वायरल हो रही, जो कि यार ऐसे हाथ लगाते हैं मतलब मोचा सा पड़ जाता है चद्दर में, यही भाई। पर भाई महिंद्रा की सेफ्टी तो सेफ्टी ही रहती है। देखो अभी इसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है सीट बेल्ट के अलावा, जो कि यार सीट बेल्ट भी अभी अपनी गाड़ी के अंदर ऑल ओवर अभी चेंज ही होगा, ये वाला पोर्शन तो इसका जो वाला तो पूरा ऑल ओवर चेंज ही होगा, इसका तो मैं चेंज ही करूँगा क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी भी है। वैसे तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।